हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है शकरपारे की। शकरपारे तो आप लोग सब घर में बनाते होंगे। आज मैं आपको नए टाइप से शकरपारा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। शकरपारा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 kg मैदा ले लिया, उसको मैंने अच्छे से छान लिया। अब मैं यहाँ पे इसमें डालूँगी एक नई चीज़। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मिल्क पाउडर ले लिया है। मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट इतना अलग टाइप का होता है, एक बार आप मिल्क पाउडर डाल के ज़रूर ट्राई करना। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ और डाला है, 50 ग्राम नारियल पाउडर आप इसमें डाल देना और इसको अच्छे से मिला लेना। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे एक गड्ढा सा कर देंगे। और हमने यहाँ पे 150 ग्राम घी लिया है, आप तेल भी ले सकते हो, घी से थोड़ा खस्ता ज़्यादा होता है। और अब चलिए इकट्ठे हम इसमें 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है घी। अब जिस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालेंगे। और पहले मोयन को हम चेक करेंगे, देखिए हमारा मोयन अगर परफेक्ट है तो हम और घी नहीं डालेंगे। देखिए इस तरह से अगर मुट्ठी बनने लगे तो हम समझ जाएँगे हमारा मोयन परफेक्ट है। ज़्यादा घी डालने से क्या होता है कि डालने के साथ घुल जाते हैं तेल में शकरपारे हमारे, इसलिए हम अब इसको गर्म पानी से ही गूंदेंगे ताकि हमारी घी पूरी तरह से मैदे में मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह से हमारा डो बन जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसको गूंद लेंगे। देखिए हमारा डो हो गया रेडी। ना हम इसे ज़्यादा सख्त रखेंगे ना ज़्यादा मुलायम। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें एक बड़ा सा लोई लेंगे और उसको अच्छी तरह से इस तरह से बनाएंगे। देखिए थोड़ा बड़ा लोई लेंगे, अब इस तरह से इसको पहले गोल कर लेंगे। और ना हम इसमें तेल लगाएंगे ना ही मैदा लेंगे। देखिए इस तरह से पहले कर लेंगे हम, हमारा लोई बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा, ऐसे कहीं से भी क्रैक्स नहीं रहेगा। देखिए इस तरह से करके अब हम बेलेंगे इसको। देखिए देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे, थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, पतला नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे, थोड़ा मोटा रखेंगे। और हम इसको कट कर लेंगे, कट हम इसको स्क्वायर में करेंगे। आप इसको किसी भी तरह से काट सकते हो जैसे आपको पसंद है। और देखिए कट करके हम इसको कट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना और कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए इसी तरह से सारे शकरपारों को हम स्क्वायर में काट लेंगे। देखिए हमने सारा शकरपारा काट लिया है। अब चलते हैं इसको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन लिया, पैन में ऑयल डाल दिया, 5 चम्मच ऑयल डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा कर लेंगे, तब शकरपारा डालेंगे। अगर पहले ही डाल देंगे तो हमारा शकरपारा कच्चा रह जाएगा, ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए अब हम इसमें डाल देंगे सारे शकरपारे। अब देखिए इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखेंगे इसका। और इसी तरह से देखिए हमारे शकरपारे हो रहे हैं। देखिए हमारे शकरपारे हो गए। अब हम इसको इस स्टेज पे निकाल लेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे इसको। इसी तरह से हमने सारे शकरपारे को फ्राई कर लिया। ये देखिए हमारे सारे शकरपारे हो गए हैं रेडी। अब देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया, देखिए
अब हम चलेंगे इसकी चाशनी तैयार करने। जिसकी चाशनी तैयार करने के लिए गैस पे हमने लिया एक पतीला। अब हम इसमें डालेंगे 1 केजी शक्कर। मैदा हमारा 1 केजी था तो उसी हिसाब से हम शक्कर भी 1 केजी लेंगे। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे और पानी बिल्कुल इसका आधा लेंगे। जिस बर्तन से हमने शक्कर नापा है उसी का आधा हम पानी लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे। देखिए पानी इसमें हम शक्कर हमारा थोड़ा इससे कम था तो पानी भी आधा से कम हमने लिया इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे क्योरा एसेंस। आप कुछ भी डाल सकते हो, वेनिला एसेंस जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हो। अब 2 इलायची हमने तोड़ के इसमें डाल दिया है और इसको अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको चलाएंगे और चेक करते रहेंगे। जब तक ये 3 तार की नहीं होगी तब तक इसमें हम शक्करपारे नहीं डालेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा 3 तार का हो चुका है। अब हम इसमें फ्लेम को लो कर लेंगे और सारे शक्करपारे जो हमने फ्राई करके रखे थे ना वो हम इसमें डाल देंगे और कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। अच्छे से चारों तरफ से इसको चलाना है ताकि हमारा चाशनी सटे नहीं। अब देखिए इसको चलाते रहेंगे। देखिए सारे शक्करपारे चाशनी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब गैस को कर देंगे बंद। अब इसको बड़े से बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे। देखिए हमारे शक्करपारे किस तरह से चेंज हो रहे हैं। देखिए अभी थोड़ा गर्म है तो पता नहीं चल रहा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए बहुत ही परफेक्ट बने हैं और बहुत ही खस्ता बने हैं। देखिए हमारे शक्करपारे अभी थोड़े ठंडे हुए, ज़्यादा नहीं हुआ है। अब हम इसको चलाना बंद कर देंगे। अब हम इसको कर लेंगे सर्व और आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से बन रेडी हो गए हमारे शक्करपारे और ठंडे भी हो गए और बहुत ही खस्ता बने हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग शक्करपारा कैसे बनाते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।